हेलो दोस्तों, नमस्कार। लास्ट टाइम मैंने बताया था ईंट को अगर जलाना है तो उसको हम लोग क्लैंप में भी बर्न कर सकते थे या किल्न में भी। क्लैंप क्या होता था? टेम्पररी स्ट्रक्चर, और किल्न होता था परमानेंट स्ट्रक्चर। और किल्न में मैंने बताया था कंटिन्यूअस, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट में अप ड्रॉट, डाउन ड्रॉट, कंटिन्यूअस में जो हमारा था बोल्ट ट्रेंच था, हॉफमैन था और एक टनल था। तो ये दोनों है ना, ये ज़्यादा फेमस है और इनके डिफरेंस को जानना बहुत ज़रूरी है, और सेमेस्टर एग्जाम में डिफरेंस बहुत बार डायरेक्ट आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो पहला पैरामीटर है हमारा क्वांटिटी, देखिएगा तो बुल ट्रेंच किल में हम लोग लगभग 12 लाख ईंट को बना सकते हैं एक बार में, ठीक है। और वही हॉफमैन में लगभग 40 लाख ज़्यादा ईंट को बना सकते हैं। कॉस्ट देखिएगा तो बुल ट्रेंच का इनिशियल कॉस्ट कम होता है एज कंपेयर टू हॉफमैन। इसको इनिशियल सेटअप करना ही महंगा पड़ जाता है, क्योंकि इसमें 12 चैम्बर होता था। हर चैम्बर को अलग तरह से डिजाइन किया जाता है, हीटिंग, लोडिंग, अनलोडिंग सबके लिए। तो इसका इनिशियल कॉस्ट ये महंगा पड़ जाता है मोर। और देखिए, भले ही वो महंगा पड़ जाता है शुरुआत में, लेकिन उसमें जो ईंट बनता है ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का बनता था। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही रहता था चैम्बर वाइज, कुछ 12 12 चैम्बर्स में रहते थे, और क्योंकि हर चैम्बर अलग पर्पस के लिए डिजाइन रहता था तो परफेक्टली उसमें ईंट हीट हो पाते थे। लेकिन इसमें क्या था, बुल ट्रेंच में एक तरह से टेम्पररी एक तो कवरिंग दिया जाता था, और चैम्बर वाइज परफेक्ट नहीं था कि किस चैम्बर में हीट करना है या कूल करना है, फिक्स नहीं था। ये ठीक होता था और पास होता जाता था। इसमें देखिएगा तो परसेंटेज ऑफ गुड ब्रिक्स कम बनते हैं, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म हीटिंग सभी ईंट को नहीं मिल पा रहा था, जबकि क्योंकि ये चैम्बर वाइज परफेक्टली डिजाइन रहता है, इसमें परसेंटेज ऑफ गुड ब्रिक्स ज़्यादा होते थे, या बोलिए कि मैक्सिमम गुड ब्रिक्स ही रहते थे। फ्यूल कंजप्शन, इसमें फ्यूल ज़्यादा लगता था, इसमें फ्यूल कम लगता था। क्यों? क्योंकि एक तरह से जो इसका फ्यूल का जो स्मोकिंग था, एक सेंट्रलाइज था पहली बात तो, और हमारा जो बोल्ट रेंच था उसका स्ट्रक्चर भी एक छोटा सा बना दिया जाए। बोल्ट रेंच का था कुछ ऐसा था, ठीक है। और इसमें हम लोग फ्यूलिंग करते थे पूरे में, जितना दो ईंट रहता था इधर से भी और इधर से भी। इसमें ज़्यादा फ्यूल लगाना पड़ता था क्योंकि वह स्ट्रक्चर एक फिक्स रहता था। इसमें हर तरफ से फ्यूल फ्यूल हर तरफ से देखिएगा तो चैम्बर वन में देना जरूरी नहीं होता था, क्योंकि उसमें तो लोडिंग होता था। जब हमारा हीटिंग और बर्निंग वाला चैम्बर था, सिर्फ उसी में फ्यूल लगता था, इसलिए उसमें कम लगता था। स्पेस देखिएगा तो बुलेट ट्रेंच काफ़ी ज़्यादा स्पेस में बनता है, क्योंकि हाफ तो ये अंडरग्राउंड ही रहता है तो ज़्यादा स्पेस लेता है। और जबकि हमारा हॉफमैन था कम स्पेस में बन जाता था, और उसमें ज़्यादा ईंट भी बनता है, कम स्पेस में भी बनता है, कम फ्यूल भी लगता है। लेकिन इसका दिक्कत एक ही है कि वो महंगा पड़ता है शुरुआत में, इसलिए उसका महंगा ही कारण ज़्यादा लोग इसी को यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा पॉपुलर है, वो लेस पॉपुलर है। कंटिन्यूस फंक्शन देखिए, हमारा जो वोल्टेज था इसमें जितना दूर ईंट रहता था और फ्यूल रहता था उसके ऊपर एक टेम्पोररी कवरिंग करते थे। अब मान लीजिए बारिश आ गया, बारिश आ गया तो ईंट को तो पका ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बारिश आ गया बर्न करेंगे सही से बर्न होगा नहीं। लेकिन हॉफमैन में क्या है, पूरा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, तो बारिश आए या कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता है, वो कंटिन्यूसली उसमें ईंट को बनाया जा सकता है। इसमें मानसून सीजन मतलब बारिश वाले टाइम में ईंट को नहीं बना सकते हैं, मानसून सीजन नॉट वर्केबल, ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है। इसी के कारण इसमें जो ईंट है वो कम क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि कुछ महीना तो इसको हम यूज ही नहीं कर सकते हैं, ये तो फुल सीजन इसमें ईंट कभी बनाई है, ठीक है, फुल सीजन काम करता है। देखिएगा ये कवरिंग का बात हुआ था, इसमें जो कवरिंग था वो टेम्पररी कवरिंग था,
इसमें परमानेंट कवरिंग था, क्योंकि कवरिंग इसमें कंक्रीट का है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। और आज के टाइम में मैक्सिमम हमारा जो बुल ट्रेंच खेलना है इसी का यूज़ किया जाता है, इंडिया का बात हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आएगा टॉपिक्स। धन्यवाद।